तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर आने से पहले आपको बता दूं, थंबनेल अगर आप देख कर आए हो तो थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया है उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों वीडियो क्या है कि अगर आप भी इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो टिकटॉक पर, यानी कि भावनाओं में आकर भी अगर आपने ऐसी बना दी और गलती कर दी तो आपका भी अकाउंट बंद हो सकता है। पूरी तरह से समझ लो, जान लो दिक्कतें क्या होती है, कहाँ सामना उसको करना है। वो छोटा सा इस क्लिप में आप देखो, लेकिन क्लिप मैं चला नहीं सकता हूँ इसलिए आप ये फोटोज देख लो। ये टीम 07 का वो फोटो है जिसको अप्रिशिएट किया था, जिसको बताया था कि तबरेज़ अंसारी वाला जो केस आप सब लोगों ने सुना देखा उसके ऊपर इन्होंने ये वीडियोस बनाई। तो ऐसे आप ना करें दोस्तों। अगर आप टिकटॉक यूज़र्स हैं और आप भी ऐसा क्रिएट करते हैं कुछ, तो ऐसा कुछ भी क्रिएट ना करें। देखो जो होना है वो इस दुनिया में हो चुका है और उस पर ऑलमोस्ट कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे क्रिएटर हैं, अगर आप ऐसे टिकटॉकर्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ से दूर हट कर रहें, क्योंकि आपको पता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप खुद से अगर उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश करोगे या फिर भड़कावे वाली कोई चीज़ लाने की कोशिश करोगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, यहाँ पर बैन भी हो सकता है यहाँ पर टिकटॉक का अकाउंट। अगर इसके अलावा आप एक यूट्यूबर भी हैं तो यूट्यूब पर भी अगर आप कोई ऐसी वीडियोज़ बनाते हो उसके ज़रिए कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो मैसेज तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके फेवर में आप इस तरह से बताओगे कि भड़काओ कोई वीडियोस बनाओगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो सकता है। ये पूरी की पूरी अपडेट है उन लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट टिकटॉक और यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा जितने भी टिकटॉकर्स हैं। अच्छा हुआ क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि टीम 07 का अभी अकाउंट बंद हो चुका है टोटली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये देख सकते हो, ये मिस्टर फैजू का अकाउंट है, उसके बाद सद्दू और हसनैन का भी अकाउंट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो तीनों का जो अकाउंट है उस अकाउंट में आप ये भी देख सकते हो कि इनके चैनल पर, यानी कि इनकी जो डीपी शो होती थी अभी वो डीपी शो नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पर डीपी शो नहीं हो रही तो इसका मतलब वो अकाउंट भी बंद हो चुका है, और इनके नीचे जो वेरीफाइड अकाउंट लिखा हुआ आता था वो वेरीफाइड भी छीन लिया गया है। अभी टोटल टिकटॉक पर अकाउंट इनका डिसेबल हो चुका है टिकटॉक की वजह से। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी अगर आप एक ऐसा टिकटॉकर्स हैं, और अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देने वाली है, अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप एज अ क्रिएटर कॉमेडियन हैं तो आपकी वीडियोस कॉमेडी वे पे चलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन गलती से भी अगर आपने इन चीज़ों को उसमें अप्लाई करने की कोशिश की या फिर आपने उसके पे वीडियो बनाई तो आपका वेरीफाइड अकाउंट जो है वो छीन लिया जाएगा और हो सकता है इन्हीं की तरह आपका भी अकाउंट बंद हो सकता है। तो यहाँ पर खास ध्यान रखें और इस चीज़ को ध्यान से देखते हुए अपनी वीडियोज़ को बनाए हैं। अगर इसके अलावा आप एक लिप्सर हैं, मतलब लिप्सिंग भी करते हैं, तो इन चीज़ों पर लिप्सिंग ना करें यार, और भी कुछ बना सकते हो, या फिर आप उसको फेवर में नहीं बोल सकते हो, आप उस पर न्यूज़ दे सकते हो, आप उस पर अपडेट देख सकते हो, जैसे कि अपने तबरेज़ अंसारी वाले जो केस है आप उस पर अपडेट कर सकते हो कुछ भी, लेकिन आप उस पर गलत चीज़, भड़कावे वाली चीज़ नहीं बनाओगे, क्योंकि बनाओगे तो सेम वही चीज़ होगा जैसे अभी टीम 07 के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि टीम 07 का अकाउंट तो बंद हुआ ही हुआ है। जी म्यूज़िक कंपनी से जो गाना आया था तेरे बिन कीवे को भी बंद कर दिया है जी म्यूज़िक ने, अब वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट से डाला है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल अकाउंट है वो यूट्यूब से हट चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा यूट्यूबर हैं, अगर आप ऐसा टिकटॉकर्स हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कोई कॉमेंट हो तो आप हमें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कॉमेंट पढ़ने की और ज़रूरी बात पढ़ने की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।